नमस्कार साथियों, यूपी बोर्ड से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर है। चार क्षेत्रीय कार्यालयों का रिजल्ट बनकर तैयार। तो आइए जानते हैं क्या है न्यूज। इससे पहले आपसे निवेदन है कि प्लीज़ आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, यह करना बिल्कुल निःशुल्क है। प्रयागराज वरिष्ठ संवाददाता। यूपी बोर्ड के चार क्षेत्रीय कार्यालयों मेरठ, वाराणसी, बरेली और गोरखपुर के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का परिणाम तैयार हो गया है। सिर्फ इलाहाबाद क्षेत्रीय कार्यालय का रिजल्ट शनिवार शाम तक फाइनल नहीं हो पाया था। यही कारण है कि बोर्ड शनिवार को परिणाम घोषित करने की तारीख जारी नहीं कर सका, यानी तारीख जारी नहीं हुई है कि किस दिन रिजल्ट आएगा। सचिव नीना श्रीवास्तव 3 दिन से दिल्ली में ही डटी हुई हैं। बरेली क्षेत्रीय कार्यालय के सभी कर्मचारियों की चुनाव में ड्यूटी लगने के कारण परिणाम में देरी की आशंका जताई जा रही है, यानी चुनाव में ड्यूटी है इसलिए परिणाम आने में देरी हो सकती है, लेकिन वह मसला हल हो गया है और शनिवार को बरेली से जुड़े जिलों का परिणाम भी फाइनल हो गया। सूत्रों के अनुसार रविवार को रिजल्ट की तारीख जारी हो सकती है। 10वीं-12वीं की परीक्षा के लिए 58,06,922 छात्र छात्राएं पंजीकृत थे। तो ये महत्वपूर्ण खबर है जो कि यूपी बोर्ड रिजल्ट से जुड़ी हुई है। आज इस पर हो सकता है कि तारीख निश्चित करने की मोहर लग जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल प्रेजेंट टाइम एक्टिविटी LTP।